दोस्तों दिवाली पर हम मिठाइयाँ तो बनाते ही हैं, साथ में हमें इस तरीके का क्रंची और चटपटा मसालादार जो नाश्ता होता है वो भी बहुत पसंद आता है। तो ये देखिए, आज मैं आपके लिए बिल्कुल खस्ता बाज़ार में जैसी मिलती है ऐसी बेसन पापड़ी लेकर के आई हूँ। बेसन पापड़ी में जो प्रॉब्लम्स आती है जनरली वो ये आती है कि खाते खाते मुँह में कट्स लग जाते हैं और बहुत ही खाते वक्त सॉफ्ट लगती है, लेकिन एक से दो पापड़ी खाते हमारा मुँह फूल जाता है। तो आज आपको इस तरीके का जो प्रॉब्लम है उसका निवारण इस रेसिपी में मिलेगा। तो आप पूरे टाइम मेरे साथ बने रहिए और छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने शेयर किए हैं, इसकी वजह से ये पापड़ी काफ़ी खस्ता बनेगी, सॉफ्ट बनेगी और बिल्कुल ऑयली नहीं बनेगी और मुँह में कट्स नहीं लगेंगे। खाने के बाद आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने बेसन की पापड़ी खा के अपना मुँह ख़राब कर लिया, बहुत ही अच्छा फील होने वाला है। माउथ वाटरिंग रेसिपी है ये। तो चलिए मेरे साथ ये बेसन की पापड़ी बनाना सीखें। बेसन की पापड़ी बनाएंगे। वैसे तो ये होली पे बनाई जाती है पर हमारे यहाँ दिवाली पर भी बनाई जाती है। आप किसी भी मौसम में बना सकते हैं, बारिश के अलावा अच्छी लगती है ये। तो ये 1.5 कप मैंने बेसन ले लिया है, नॉर्मल जो आप बेसन यूज़ करते हैं, अगर आपके पास बारीक बेसन है तो बारीक बेसन से भी काफ़ी अच्छी बनती है ये। इस बेसन में हम थोड़े मसाले डालेंगे, तो 1/2 टीस्पून करीब मैं जीरा कूटा हुआ डाल रही हूँ, क्योंकि साबुत जीरा जो है हमारी पापड़ी को फाड़ देगा। और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें सौंफ कुटी हुई डाल रही हूँ, बारीक कुटी हुई। हींग डाल देंगे 1/4 टीस्पून। 1/2 टीस्पून ही हम इसमें अजवाइन डालेंगे और इसको हाथों से क्रश करेंगे। इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी चटपटी बना रहे हैं इसलिए 1 टीस्पून करीब हम मिर्ची डाल रहे हैं और 1/4 टीस्पून करीब हम हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, इससे कलर काफ़ी अच्छा आएगा। इन सब मसालों को हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। इसमें हम 1/2 टेबल स्पून खाने वाला तेल डालेंगे, क्योंकि इसमें मोयन जो है कमी डलता है। इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके टाइट गूंथेंगे। इसमें नमक डालने से रह गए थे तो इसमें हम स्वादानुसार 1/2 टीस्पून करीब नमक डाल देंगे। तो देखिए हमने बिल्कुल टाइट आटा लगा लिया, पूरी जैसा आटा लगाना है, ये देखिए, इससे ज़्यादा ढीला नहीं लगाना है। और अभी हम ज़्यादा नहीं मथेंगे इसको और अभी 10 मिनट के लिए हम इसको ढक कर के छोड़ेंगे ताकि इसके जो मसाले हैं वो सारे अच्छे से सेट होकर फूल जाएं, बेसन भी हमारा सेट हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं, हमारा बेसन जो है अच्छे से सेट हो गया और इसको अब हम हल्का सा कूट लेंगे, जैसे पापड़ के लिए कूटते हैं उस तरीके से। कूटने से हमारा बेसन जो है चिकनाहट पे आ जाता है और पापड़ी जो है काफ़ी अच्छे से हम बेल पाते हैं, लोच पे आ जाता है, चिकनाहट आ जाती है बेसन में। तो हम जितनी पतली चाहें उतनी पतली हम पापड़ी बेल सकते हैं और पतली पतली हम बनाएंगे इस पापड़ी को। तो 1 से 2 मिनट बस हल्का सा हम इसको कूट लेते हैं और कूट करके बहुत ज़्यादा हमें सॉफ्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो पापड़ी बनाने में दिक्कत आएगी। इसको हमने 1 से 2 मिनट अच्छे से कूट लिया है और अब हल्का सा हाथों में तेल लगा करके इस आटे को हम अच्छे से मथेंगे। तो पापड़ी बनाने के लिए हमारा आटा बढ़िया से तैयार हो गया है। अब हम इसकी बिल्कुल या तो छोटी छोटी लोइयां बना करके पूरी बनाएंगे या फिर आप एक बड़ी पूड़ी बेल करके उसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ ढक्कन से काट सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं। मैं पतली पतली बेलूंगी तो छोटी छोटी लोइयाँ बना लेती हूँ। आप चाहें तो चकले पर हल्का सा तेल लगा कर भी बेल सकते हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए टिप्स हैं कि आप एक पॉलिथीन लें, उस पर हल्का सा तेल लगाएं और इस पापड़ी को बेलें। जितना ज़्यादा पतला बेलना चाहें उतना ज़्यादा आप बेल सकते हैं पॉलिथीन के होने की वजह से। तो आप इसको डबल लेयर में कर दें इस तरीके से और फिर बेलें। इस पर बहुत इजीली बेली जाती है पापड़ी और हमें पतली बेलनी है, बिल्कुल पतली 0 साइज़ की पापड़ी बेलनी है। और इसको हम 1 साइज़ की बनाएंगे, तो कोई भी ग्लास ढक्कन कटोरी ले लेंगे
और उससे हम इस तरीके से काटेंगे। आप चाहें तो पतली एक पूरी बड़ी वाली बेल करके उससे काट सकते हैं, और इसमें अगर आप चाहें तो गोदें, मैं इसमें गोद भी नहीं रही हूँ, और उसको हम एक अखबार पे या प्लेट में या कपड़े पर फैला देंगे। फैला करके कम से कम आधे से एक घंटा हम इसको फैला देंगे ताकि ये थोड़ी ड्राई हो जाएगी, तब हम इनको फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से फ्राई करने से हमारी जो पापड़ी है वो बिल्कुल ऑयली नहीं बनती है और फटाफट फ्राई हो जाती है। तो मैंने जैसे ये पापड़ियाँ बना ली है और इसको मैंने कपड़े पर फैला दी है, और आधे से एक घंटा दो घंटे आप इनको इस तरीके से फैला करके रखेंगे और ये थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। इस तरीके से हमारी जो पापड़ी होती है वो काफ़ी क्रंची बनती है, ऑयली नहीं होती है और फटाफट फ्राई हो जाती है, और एक अलग ही टेस्ट आता है इसमें। ये ट्रेडिशनल रेसिपी है ये तरीका। तो इसको मैं थोड़ा ड्राई होने देती हूँ एक से दो घंटा। तेल हमारा गरम हो रहा है, मीडियम गरम ही चाहिए, और ये देखिए इस तरीके से थोड़ी सी सूख गई है पपड़ी। तो ये जब हम तलते हैं तो ये ऑयली नहीं होती है और बहुत अच्छी सिकती है और फटाफट हो जाती है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगी इस तरीके से सुखा लेने से। और बस एक से दो बार पलटेंगे, हल्का सा कलर चेंज होगा इनका, तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। और ये सुखाने का जो टिप्स है, आप इसको एक बार करके देखना, आपको लगेगा बहुत सॉफ्ट बनेगी आपकी पापड़ी। तो देखिए हल्का सा कलर बदल लिया इन्होंने, और अब हम निकाल लेते हैं इनको। छोटी बड़ी आपको जैसा साइज पसंद हो उस साइज के आप बना सकते हैं। इसी तरीके से हम थोड़ी थोड़ी करके सारी हमारी पापड़ियों को तल लेते हैं, और जितना आप पतला बेल सकें उतना पतला बेलेंगे तो और भी अच्छी लगेगी ये। देखिए दोस्तों हमारी पारंपरिक बेसन की पापड़ी बनकर के तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत ही खस्ता बनी है। एक मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से एकदम से हो रही है। तो आप भी इस तरीके से एक बार इस पापड़ी को बनाकर ज़रूर देखें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।